आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय हम मौजूद हैं रिट्स मैनर छन्नी हिम्मत में। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जिस तरह से उसका आगाज हुआ है, उसके बाद आज छन्नी रिट्स में आपको हम बता दें कि यहाँ पे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया वॉर रूम बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य पे इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये जो वॉर रूम है ये बनाया गया है इसलिए कि यहाँ से जो आदान प्रदान है इन्फॉर्मेशन का भाजपा का वो इजीली हो सके। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के चलते यहाँ पर ये वॉर रूम जो क्रिएट किया गया है। इस समय हमारे बिल्कुल सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हाँ आपको बता दें कि ये इस समय यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं और आज ये वॉर रूम का इनॉग्रेशन करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसी के साथ तरुण चुग जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वे हम आपको दिखा दें कि अभी और भी किस तरह से यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी आ गए हैं। लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं रिट्स मैनर में भाजपा का जो मीडिया वॉर रूम है वो बनाया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वॉर रूम बनाया गया है। जुगल किशोर शर्मा जी, जिस तरह से ये वॉर रूम बनाया गया है इसके बारे में थोड़ा सा स्पोक्स पर्सन या अथराइज जो पर्सन है वही इस बारे में ज्यादा बता सकेंगे जी। तो हमारे साथ सुनील सेठी जी हैं, सर हमें बताइए इस जो वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया गया है। देखिए ये मीडिया सेंटर है जिसमें पार्टी की सारी मीडिया की गतिविधियां यहाँ से होंगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, रिएक्शन करनी है और मीडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो भी यहीं से डिसाइड होगी। तो ये एक बहुत अच्छी मूव है पार्टी की तरफ से कि ये सेंटर, नर्व सेंटर जो है वो बन जाएगा मीडिया की सारी एक्टिविटीज का। वॉर रूम क्यों बोला जा रहा है? इलेक्शंस हो रही हैं, वॉर जंग थोड़ी हो रही है? नहीं, ये तो इलेक्शन भी तो वार ही है, स्ट्रेटेजिक वार होती है। जहाँ तक मीडिया की स्पोक्स पर्सन की बात हो तो इट इज़ ए वार, वी हैव टू बी ऑफेंसिव समवेयर एंड वी हैव टू बी डिफेंसिव समवेयर, और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, इसलिए इसका नाम वार रूम है। ये सभी पार्टीज में होता है। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सुनील सेठी, उन्होंने हमें बताया कि ये जो मीडिया वॉर रूम बनाया गया है रिट्स मैनर में, इसका क्या उद्देश्य है और क्या कुछ इसमें होगा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन तीन फेजेस में होने जा रही है, जो कि होगी पहली जो पोलिंग होगी वो होगी 18 सितंबर को, दूसरी पोलिंग होगी 25 सितंबर 2024 को, उसके बाद तीसरे चरण की जो पोलिंग होगी वो होगी 1 अक्टूबर को। हम आपको बता दें इसके जो काउंटिंग होगी वो 4 अक्टूबर को होने वाली है। हम आपको भी लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से जो तैयारियाँ हुई हैं, जो यहाँ पर लोगों का आना जाना अभी शुरू हो गया है, जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उनका यहाँ पर आना जाना जो शुरू हो गया है। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देख पाएं हमारे साथ कि किस तरह से जो ये वॉर रूम बनाया गया है ये फुली इक्विप्ड होगा, इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये हाईटेक टेक्नोलॉजी रहने वाली है और यहाँ से ही जो भाजपा की स्ट्रेटजीज हैं वो यहीं से पूरी कर पाएंगे ये लोग। इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के लाइव विजुअल्स कि किस तरह से यहाँ पर जो वॉर रूम क्रिएट किया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज जो इनॉग्रेशन होने वाली है वो करेंगे तरुण चुग, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसी के साथ जो आने वाले हैं वो कुछ नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, जिसमें बीजेपी के आरपी सिंह आने वाले हैं, उसी के साथ शाइजा इल्मी आने वाले हैं और काफ़ी सीनियर लीडर्स भी होंगे। जिस तरह से हमने आपको दिखाया अभी जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो पूरा मीडिया है वो अभी इंतज़ार कर रहा है कि कब ये जो इनॉग्रेशन है वो शुरू होगा।
ये भी हम आपको लाइव विजुअल्स हमारे साथ दिखा रहे हैं। यहाँ से हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हुई हुई हैं। रिट्स मैनर में भाजपा का जो मीडिया वॉर रूम है वो बनाया गया है। यहाँ से हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिनिस्टर्स का इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ से हम आपको अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे भाजपा ने अपना ये वॉर रूम क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियाँ हैं। अभी यहीं पे कुछ देर में जो मीडिया को संबोधित करेंगे डॉक्टर जतेंद्र सिंह और उनके साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और कई अन्य सीनियर लीडर्स यहीं पर मीडिया को संबोधित करेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हिमानी कंधारी कैमरा पर्सन काकराम के साथ।